हेलो मेरे लिटिल स्कॉलर्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कराने जा रहे हैं आपकी प्रिय पाठ्य पुस्तक तरंग, हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय अमित पब्लिशिंग हाउस से। कौन सा पाठ? पाठ 4, जिसका शीर्षक है गौरैया का घर। बच्चों आपको पता है गौरैया क्या होती है? गौरैया भी एक हमारी चिड़िया होती है जिसको बोलते हैं गौरैया। तो आज उसी का पाठ है। ये देखिए, ये चित्र में भी आप देख रहे हैं, ये चिड़िया और ये एक घोंसला बना हुआ है। तो इसी पर है आज का पाठ। मिलिए कुदरत के अनोखे इंजीनियर बया पक्षी से। बया पक्षी का घोंसला बहुत सुंदर होता है। यह दो मंजिल का भी होता है बच्चे, जैसे डबल स्टोरी होती है ना हमारे जो हम लोग के घर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, तो ऐसे ही इनका जो घोंसला होता है ये दो मंजिल का भी होता है। इसे देखकर वैज्ञानिक भी अचरज में पड़ जाते हैं। अचरज मतलब हैरान हो जाते हैं। बया पक्षी पहले पत्तियों से धागा बनाते हैं, फिर उन धागों से अपना खूबसूरत घोंसला। इसके अलावा भी कुदरत में कई इंजीनियर पक्षी हैं। आपने भी अपने आसपास अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखे होंगे, तो बताओ किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं आपने? देखे हैं ना कितने, कौन कौन से पक्षियों के घोंसले देखे? चिड़िया का घोंसला देखा है, और तोता तो कभी इधर बैठ जाता है कभी उधर बैठ जाता है ना। तो चलिए आज देखते हैं, हम इस पाठ के दाव द्वारा हम समझते हैं कि इन पक्षियों के घोंसले कौन कौन से हैं। मानव समाज में पक्षियों का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे हमें भोजन, औषधि, उर्वरक और मधुर गीत प्रदान करते हैं, तथा पक्षी ऐसे कीट पतंगों को खाते हैं जो हमारी कृषि फसलों और बाग बगीचों को नष्ट करते हैं। आइए इस रोचक कहानी के द्वारा पक्षियों के बारे में हम कुछ जानते हैं। एक दिन नन्ही गौरैया अपनी माँ से एक नया घर बनाने का हट करने लगी, मतलब जिद करने लगी। नन्ही गौरैया, माँ मुझे अपना घोंसला बनाना है। तो माँ गौरैया बोली, नहीं घास नन्ही, घास के तिनके, रुई और पंख को इकट्ठा करो। नन्ही ने बोला, माँ मुझे सबसे न्यारा घर बनाना है, इसलिए मैं पहले दूसरों का घर देख कर आती हूँ। न्यारा मतलब देखो सबसे अलग, सबसे अलग। तो सबसे पहले नन्ही कहाँ गई? वो कबूतर के पास गई। तो नन्ही ने बोला, कबूतर भाई तुम अपना घर कैसे बनाते हो? तो कबूतर ने बोला, मैं तो किसी भी खिड़की या रोशनदान के आगे तिनके बिछा देता हूँ, बस हो गया घर तैयार। फिर नन्ही एक पेड़ पर कठफोड़वे का घर देखती गई। बेटा कठफोड़वा भी एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी चोंच से लकड़ी को काटता रहता है। तो वो कौन सा पक्षी होता है? वो होता है कठफोड़वा। तो कठफोड़वा ने बोला, अरे नन्ही मैं तो किसी भी दीवार या पेड़ के छेद में आराम से रहता हूँ, मेरा वही घर है। तो नन्ही ने बोला, ये कैसा कुएं जैसा घर हुआ कठफोड़वा का? घर में रोशनी भी तो होनी चाहिए। फिर वही दूर बैठी बया का घर था, तो नन्ही फिर वहां चली गई। बया एक पक्षी होता है, वो होता है बया। वो नन्ही फिर वहां पे चली गई। तो नन्ही ने कहा, मौसी आप घर कैसे बनाती हो? तो बया ने बोला, अरे मेरा घर बस इन पत्तियों से धागा बुनते जाओ, बन जाएगा घर। तो नन्ही ने बोला, उफ यह तो बनाना बहुत ही मुश्किल है। अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मैं बना ही नहीं सकती हूँ, पत्तियों से धागा बनाना है ना। तो बया ने कहा, ऐसा करो कौवे या चील का घर देख लो। तो नन्ही ने कहा, पर चील चाचा का घर तो बहुत ऊंचाई पर है, चील बहुत ऊंचा उड़ती है ना, तो चील का घर तो बहुत ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई से तो बच्चे गिर गए तो क्या होगा। फिर नन्ही किसके पास गई? कौए के पास गई। कौआ बोला, आओ नन्ही अंदर आओ। तो नन्ही ने कहा, अरे ये सब क्या है कौए मामा, हर तरफ आड़ी तिरछी तीलियां बिखरी हुई है, इतना खुरदरा इतना कठोर, आप इस पर कैसे सोते हो? कौआ ने कहा, मुझे तो यहाँ बहुत आराम मिलता है। नन्ही ने बोला, अच्छा अब शाम हो गई है, माँ राह देखती होगी, मतलब माँ इंतजार कर रही होगी, माँ मेरा
देख रही होगी, राह देख रास्ता देख रही होगी, मैं घर चलती हूँ कोई मामा। तो माँ ने कहा क्या कोई घर पसंद आया? नन्नी क्या ने क्या बोला, नहीं माँ, माँ मुझे हमारा घर ही सबसे अच्छा लगा। अब मैं ऐसा ही एक छोटा सा घर बनाऊंगी और वही होगा मेरा न्यारा घर। तो आपने देखा नन्नी जो थी सबके घर पे, कबूतर के घर, कौए के घर, बया के घर, कठफोड़वे के, लेकिन उसको अपना घर सबसे अच्छा लगा। इसी तरह आप कहीं भी घूमेंगे बच्चों, लेकिन अपना घर है सबसे प्यारा। अब हम करते हैं कठिन शब्द। नन्नी कठफोड़वा, हट ऊंचाई, घोंसला, तीलियां, न्यारा, खुरदरा, रोशनदान और कठोर। हट का अर्थ है जिद, न्यारा का अर्थ है अलग, रोशनदान हवा और रोशनी के लिए कमरे की छत के पास बने खिड़की, कुआं यानी कूप, कठफोड़वा एक पक्षी का नाम। मुश्किल का अर्थ है कठिन, आड़ी तिरछी मतलब उल्टी सीधी, खुरदरा जो चिकना ना हो, और पसंद यानी रुचिकर जो अच्छा है। और अब हम चलते हैं हमसे क्या पूछा गया है। गौरैया को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? बच्चों गौरैया को बचाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको जो कोई उनसे खतरनाक जो जानवर है उनसे बचा के उसको छुपा के रख सकते हैं, जैसे बिल्ली कुत्ते से हम बचा सकते हैं। और उसको बचाने के लिए हम उनके लिए कुछ पानी भी रख सकते हैं, जैसे गर्मियां आती हैं, गर्मियों में इन पक्षियों को पानी की सख्त जरूरत होती है, तो हम अपने घर दीवार के ऊपर या किसी भी ऐसे सुरक्षित स्थान पर जहाँ जो चिड़ियों के लिए सुरक्षित हो हम उनके लिए पानी भर के रख सकते हैं गर्मियों में, जिससे इनकी प्यास बुझ सकती है। इनके लिए छोटी छोटी रोटी भी हम डाल सकते हैं जिससे रोटी को मुंह में डाल के ये ले जाए। तो इस तरह से हम इन चिड़ियों का गौरैया का बचाव कर सकते हैं। अपने घर और परिवार के लोगों की विशेषता बताओ, आपके घर और परिवार के लोग कैसे होते हैं? बच्चों हमारे घर के लोग, जैसे आपके घर के लोग बहुत दयालु हैं, या हम जो है गरीबों की मदद करते हैं, इस तरह से जो भी आपके घर और परिवार के लोग हैं आपको उनकी विशेषता बतानी है। आपकी माता पिता आपको गर्म खाना खिलाते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आप कहीं जाते हैं तो आपको धुले हुए कपड़े देते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े पहनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको आपके लिए उन्होंने समय जो है वो बना रखा है बिल्कुल, तो कितना सारा आपका ध्यान रखते हैं। आपको जो भी आपके घर के लोगों की विशेषता है वो आपको हमें बतानी है। नन्नी गौरैया दूसरे पक्षियों का घर देखने क्यों गई? नन्नी गौरैया दूसरे पक्षियों का घर देखने गई क्योंकि उसने कहा था मुझे तो अपना बिल्कुल एक न्यारा बहुत अच्छा, एक अलग और बहुत अच्छा सा घर बनाना है। इसलिए उसने कहा पहले मैं दूसरे पक्षियों का घर देखने जाऊंगी। अंत में नन्नी गौरैया को अपना घर ही अच्छा लगा। क्यों अंत में नन्नी गौरैया को अपना घर इसलिए अच्छा लगा, उसने सबके घर देखे लेकिन उसे किसी का घर अच्छा नहीं लगा। किसी का कौए के घर में उसे बहुत ही खुरदुरा और कठोर लगा। बया का घर जो था उसने कहा इतनी मुश्किल से बनेगा घोंसला, वो भी उसको अच्छा नहीं लगा। चील मामा का, चील चाचा का घर बहुत ऊंचा था, उसने कहा कि अगर इतना ऊंचे से तो हम गिर सकते हैं, तो इसे उसने उसे किसी का घर अच्छा नहीं लगा, उसे सिर्फ अपना घर अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या है? सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। पक्षियों के घर को क्या कहते हैं? मकान, घोंसला, बिल या पेड़? पक्षियों के घर को कहते हैं घोंसला। तो हमने घोंसला के आगे सही का निशान लगा दिया। किसका घर बहुत ऊंचाई पर था? कठफोड़वा, बया, कबूतर या चील? चील का घर बहुत ऊंचाई पर था। नन्नी गौरैया को चील का घर देखने के लिए किसने कहा? नन्नी गौरैया को चील का घर देखने के लिए बया ने कहा। पाठ के आधार पर लिखो किसने कहा, किससे कहा। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें सबसे पहले है मुझे अपना घोंसला बनाना है, ये किसने कहा? ये नन्ही ने कहा। और किससे कहा? अपनी माँ गौरैया से। गौरैया माँ से उसने बोला मुझे अपना घर बनाना है। ऐसा करो कौए या चील का घर देख लो, ये किसने कहा? ये बया ने कहा। और किससे कहा? नन्ही। ये कैसा कुएं जैसा घर हुआ,
ये किसने कहा? ये नन्ही ने कहा। और किससे कहा? कौवे से कहा। पर मुझे तो यहां बहुत आराम मिलता है, ये किसने बोला? ये कौवे ने बोला। और किससे बोला? नन्ही से। ठीक, और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले है नन्ही गौरैया क्या करना चाहती थी? नन्ही गौरैया सबसे न्यारा, मतलब सबसे अलग, सबसे प्यारा घर बनाना चाहती थी। कबूतर अपना घर खिड़की या के आगे तिनका बिछा कर बनाता है। किसके आगे? खिड़की या रोशनदान। आपने देखा होगा रोशनदान में कबूतर जो है गुटर गु करते हैं, तो कई बार वो किसी किसी के रोशनदान में भी तिनके डाल के अपना घर बना लेते हैं। भैया किससे धागा बुनकर घर बनाती है? भैया पत्तों से। भैया पत्तों से धागा बुनकर घर बनाती है। कठफोड़वा किसमें या में छेद बन घर बनाती है? कठफोड़वा दीवार या किसमें? पेड़ में छेद करके घर बनाती है। अंत में गौरैया को अपना घर ही न्यारा पसंद आया। ठीक, और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। नन्ही गौरैया क्या बनाना चाहती थी? नन्ही गौरैया अपना एक न्यारा और एक अच्छा सा घर बनाना चाहती थी। गौरैया को कठफोड़वे का घर क्यों पसंद नहीं आया? गौरैया को कठफोड़वे का घर इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत ही अंधेरे वाला घर था, बहुत ही गहरा और बहुत ही अंधेरा था, उसमें कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए उसको उसका घर पसंद नहीं आया। गौरैया ने भैया के घोंसले जैसा क्यों नहीं बनाया? गौरैया ने भैया के जैसा घोंसला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत मुश्किल था, वो पत्तों के धागे से बना रही थी, तो कहते कि ये तो बहुत मुश्किल है। गौरैया ने कैसा घर बनाने का निर्णय लिया था? गौरैया ने अपना एक बहुत ही न्यारा घर बनाने का, बहुत ही जो सबसे अलग हो, ऐसा घर बनाने का निर्णय लिया। और बच्चों इसके साथ हमारा ये वाला पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।